नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। माननीय राज्यपाल श्री सीपी राधा कृष्णन से आज राजभवन में कर्नल रणवीर जमाल के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने राजभवन में भेंट की तथा ID8 इंस्पायर इग्नाइट फाउंडेशन की गतिविधियों से अवगत कराया। राज्यपाल महोदय ने उक्त अवसर पर कर्नल रणवीर एवं उनकी टीम को हर शिखर तिरंगा मिशन के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी एवं इस प्रयास के लिए सराहना की। शिष्टमंडल द्वारा कहा गया कि वर्तमान व भविष्य की पीढ़ियों को वैज्ञानिक ज्ञान, खेल, साहसिक कार्य एवं विभिन्न प्रकार की कलाओं से जोड़ना एवं सशक्त करना उनका लक्ष्य है। संस्था के संस्थापक व निर्देशक श्री राजीव गुप्ता झारखंड के लोगों को विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से प्रेरित करने हेतु प्रयासरत हैं। विदित हो कि 9 सितंबर 2023 को कर्नल रणवीर एवं उनकी टीम द्वारा पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी पर अपने देश का तिरंगा फहराया जाएगा, जो झारखंड राज्य के लिए गौरव की बात है। हर शिखर तिरंगा मिशन न केवल भारत की एकता का प्रतीक है बल्कि इसके विविध भूगोल और संस्कृति को भी दर्शाता है। ये लोगों में पर्यावरण के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने का कार्य करता है और देशभक्ति और साहस का संचार करता है। इसके अलावा ये स्थानीय समुदायों को अपने अभियान से जोड़ता है। शिष्टमंडल द्वारा कहा गया कि अब तक इस टीम ने 24 राज्यों के सबसे ऊंचे पर्वत स्थलों को चढ़ लिया है, जिसमें सभी 7 पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और समुन्द्र किनारे के राज्यों के सबसे ऊँचे स्थल शामिल हैं। टीम अब झारखंड के सबसे ऊँचे स्थल पारसनाथ की ओर बढ़ रही है। माननीय राज्यपाल श्री सीपी राधा कृष्णन से आज राजभवन में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग के सदस्य डॉ. शाहिद अख्तर ने शिष्टाचार भेंट की। उक्त अवसर पर राज्यपाल महोदय को उन्होंने आयोग की वार्षिक प्रतिवेदन समर्पित किया तथा आयोग की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। माननीय राज्यपाल श्री सीपी राधा कृष्णन से आज सैनिक स्कूल तिलैया के प्राचार्य ग्रुप कैप्टन राहुल सकलानी ने राजभवन में भेंट की एवं विद्यालय की विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों से अवगत कराया। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।